वनीता अग्रवाल मैम, क्या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट्स होता है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वनीता जी। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। आजकल एक तरह का फैशन बन गया है कि ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए, बॉडी मॉडल्स के जैसे दिखने के लिए, अपना अपियरेंस इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में नेचुरली रिलीज होता है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ऑटोमेटिकली वो हार्मोन्स का लेवल कम होता जाता है। लेकिन जब आर्टिफिशियली आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देते हो तो वो आपके बॉडी में बहुत खतरनाक चेंजेस कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस जो देते हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएट किए हुए होते हैं, जनरली पिग्स या हॉर्सेस में से बनाए हुए होते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये काफ़ी हाई डोजेज में होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। चलिए, अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है? तो सबसे पहले तो जब आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लेते हो, सबसे पहले तो जो साइड इफ़ेक्ट होता है और वो है टाइप 2 डायबिटीज़। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लेता है उसको डायबिटीज़ हो जाता है। और डायबिटीज़ तो आप सबको पता है कि कितनी खतरनाक डिजीज़ है, उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है और ज़िंदगी भर आपको डायबिटीज़ होता है। कई बार इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं। ये हो गया फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट। सेकंड जो साइड इफ़ेक्ट है वो है जब मेल्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेते हैं तो उनको गाइनेकोमास्टिया होता है, यानी कि मेल ब्रेस्ट बन जाते हैं या गाइनो जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो हो जाते हैं। रिपीटेडली आप ऑपरेशन भी कराओ, सर्जरी भी कराओ, लाइपोसक्शन भी कराओ, फिर भी वो आपको होता ही रहता है और वो बहुत ही बुरा लगता है आपके परफॉर्मेंस, आपके अपियरेंस के लिए। थर्ड साइड इफ़ेक्ट ये है कि पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, पूरा चेहरा बॉडी पूरा सूज जाता है। जैसे कुछ मार वार लगता है तो कैसे पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, इसी तरह से पूरा बॉडी स्वेलअप हो जाता है। और जब पूरा बॉडी में स्वेलिंग आती है तो दूसरे हार्मोन्स के भी इम्बैलेंस होते हैं, कई बार किडनी पे भी असर होता है, किडनी भी डैमेज हो सकता है क्योंकि आपके बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है विच कॉजेज एक्सेसिव प्रेशर ऑन द किडनीज एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर ब्लड प्रेशर। तो ये हो गई। और एक बहुत खतरनाक एक्सट्रीमली डेंजरस साइड इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का और वो है कैंसर्स। यस, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन जब आप लेते हो तो आपके बॉडी में ग्रोथ स्टिम्युलेट होता है। तो अब ये ग्रोथ स्टिम्युलेट होता है तो ना सिर्फ मसल का ग्रोथ स्टिम्युलेट होता है बल्कि सेल्युलर लेवल पे भी आपका ग्रोथ स्टिम्युलेट होता है। तो जैसे कैंसर, कैंसर का मतलब क्या, जब भी कोई सेल्स होते हैं आपके बॉडी में जो कण होते हैं वो एबनॉर्मल तरीके से मैच्योर बढ़ने लगते हैं, उसकी संख्या आपके बॉडी में, उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, तब वो ट्यूमर बनता है और उसको हम लोग कैंसर कहते हैं। तो इसी तरह से जब आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन्स लेते हो तो आपको कैंसर होने की बहुत सारी शक्यता बढ़ जाती है। अगर आपको थोड़ा सा पर्सनल रिसर्च करना है तो थोड़ा सा आप रिसर्च करके देखिए, जो भी बॉडी बिल्डर्स जो है, स्पेशली जो WWF के जो फाइटर्स वगैरह है, उनके ऊपर थोड़ा सा आप विकिपीडिया पे और उसमें रिसर्च कीजिए। आप ये उनके नाम आप पिकअप कीजिए और जो एक्सपायर हो गए हैं या जिनकी डेथ हो गई है तो उनका कॉज ऑफ डेथ आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉज ऑफ डेथ होगा वो या तो कोई हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ या फिर कैंसर की वजह से उनका कॉज ऑफ डेथ हुआ होगा। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लेना इज एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट। इंजेक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस आती है जो ओपनली मार्केट करती है कि हमारी दवाई के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, वो भी आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि चाहे आप इंजेक्शन लो या होम्योपैथिक लो, लेकिन आर्टिफिशियली अगर आप आपके बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेते हो तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स कंफर्म होने ही वाले हैं। ओके,